हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, तो हम पहले वो पढ़ेंगे। तो अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल, अब हम कोई भी बड़ी सी डिजिट हो उसको देख कर बता सकते हैं कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकती है या नहीं, बाय लॉन्ग डिविजन, जो हम डिविजन मेथड करते हैं उसकी वजह। अब देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ टू, अगर हमारे पास हमें बताना है कि ये नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे कि कोई भी एक नंबर हो, उसकी जो कोई भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो जीरो या टू होनी चाहिए, या टू के इवन नंबर्स होने चाहिए, जैसे 2, 4, 6। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। जैसे अब हम यहाँ देखें 4, 8, 2, तो क्या ये टू से डिविजिबल होगा, होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, टू। अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, यहाँ 6 लिख दूँ, तो ये सारा भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि कोई भी आपको एक नंबर दिया जाए। ठीक है, अब जैसे ये 3 डिजिट्स का नंबर है 1, 1, 1। अब अगर इन सारे डिजिट्स का मैं सम करूँ, जैसे 1 + 1 + 1, वो क्या आ जाता है, 3। तो इन सब डिजिट्स का सम करने के बाद ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर, पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की जगह मैं यहाँ लिख दूँ 3, 3, 4, 5, यहाँ आ जाता है 5। तो क्या 3, 1, 1, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसी की जगह मैं यहाँ लिख दूँ 4, 4, 1, 1, 4, 1, 1, अभी 4, 1, 1 है, 4 + 1, 5 + 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6, 6, 3 से डिविजिबल है, तो हमारा ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक बड़ा नंबर है, ठीक है, लास्ट नंबर है, उसकी लास्ट की दो डिजिट देखो, अगर लास्ट की दो डिजिट किससे, 4 से डिवाइड हो जाती है, लास्ट की टू डिजिट, कोई भी नंबर की लास्ट की टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब इसकी देखो 104 है, तो लास्ट की टू डिजिट है 4, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 76 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। नेक्स्ट है 5 का सबसे सिंपल है, जहाँ पर भी लास्ट डिजिट कोई भी एक नंबर है 1, 2, 4, 5, 6, 0, इतना बड़ा नंबर है, उसके बाद अगर इसकी लास्ट में डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर है, पहले इसको 2 से चेक कर लो, फिर 3 से चेक कर लो, तो अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होता है, तो वो 6 से होगा। तो ये डिविजिबिलिटी है 2, 3, 4, 5 और 6 की। नेक्स्ट देखो 8 के अंदर क्या है, जो भी एक नंबर है, लास्ट नंबर है, लास्ट की तीन डिजिट, कोई भी एक नंबर की लास्ट की थ्री डिजिट्स जो है, वो अगर 8 से डिवाइड होती है, तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 के भी क्या था, लास्ट की टू डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए 4 से, और 8 के भी क्या है, लास्ट की थ्री डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 4 के अंदर होता है कि अगर लास्ट की जो दो डिजिट है वो 0 होती है, लास्ट की टू डिजिट 0 होती है, तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा, और 8 के अंदर क्या होता है, अगर लास्ट की तीन डिजिट 0 है, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 9। 9 के लिए क्या होता है, जिस तरह से 3 का है, 3 के लिए हम जो हर एक डिजिट का सम करते हैं, सम करने के बाद जो भी नंबर हमें आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा ही 9 में होता है। डिजिट्स का सम करो, जैसे 27 है, तो 2 + 7 = 9। ठीक है, अब 9 के टेबल में आता है, आता है, तो वो क्या हो जाएगा, 27 इस पूरे से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 10। 10 का तो सबसे ज़्यादा ईजी है, 10 के भी क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो हर एक नंबर जिसके भी पीछे 0 होगी वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 11। 11 के अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम सम करें ऑड नंबर्स का
नंबर 15 से भी होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6